ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। हम यहीं गाय चराए हैं, हम यहीं स्ट्रगल किए हैं, 500-500 रुपए पे घूम घूम के गाना गाए हैं। तो उनसे लड़ाई क्यों, अखिलेश यादव से लड़ाई क्यों? तो भले हम हार गए हैं पर तुम्हारे सांसद हम ही हैं, कौन सा काम है बताओ वो हम कराते हैं, और आजमगढ़ का काम हम कराते रहे। वो ये सोच रहे थे कि उन्हें बीजेपी जो है वो बिहार से कहीं ना कहीं से टिकट देगी, नहीं मिल पाया। तो आपको लगता है कि वो बंगाल वाला जो मुद्दा चल रहा है उसके कारण हुआ ऐसा? तो ये तो धरती वाले ये सब नेता नहीं है, हवाई नेता हैं, आते हैं 3 दिन और फिर चले जाते हैं। आरोप ये लगते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री पे कि एक्टर्स पैसे ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, प्रोडक्शन पे कम खर्चा होता है। उन्होंने पूछा मुझसे कि अब आगे क्या, मैं बोला पवन जी को लाइए सर, बड़े कलाकार हैं और बहुत लोकप्रिय कलाकार हैं। खास करके सोशल मीडिया पे तो इस बात की चर्चा होती है कि आम्रपाली जी आपकी वाइफ हैं। मैं जितनी फिल्म करता हूँ उसमें मेरी वाइफ बनती हैं, तो लोगों को लगता है कि उनकी वाइफ है और वाइफ ऑन स्क्रीन ओनली। हाँ, पर क्या होता है कि हम लोग भी जब सिर्फ फिल्म देखते थे, बनाते नहीं थे, तो हमको भी लगता था कि जो अभिनेत्री को देख रहे हैं तो वो वैसा ही है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा शर्मा और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त कार में बैठे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। गांव गांव कसट बेचकर इन्होंने संघर्ष किया, भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम बनाया और अब आजमगढ़ की जो गद्दी है वो एज अ सांसद संभाल रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और दिनेश जी, कसट बेचते थे आप गाँव गाँव घूम के और आज आजमगढ़ में एज अ सांसद अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आजमगढ़ की जो जनता है आप उनकी सेवा कर रहे हैं। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये जो जर्नी है वो कैसी दिखती है? मुझे लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे भी पहुंचता है और वहां से अगर उसको अपनी जर्नी देखनी हो तो यही पता चलता है कि सब कुछ ईश्वर ने तय करके रखा हुआ है। उनको आपको जहाँ पहुँचाना है वो ईश्वर पहुँचा देंगे। आपको हो सकता है सीधे सीधे पहुंच जाएं या थोड़ा घूम के पहुंचेंगे, पर पहुंचेंगे वहीं जो आपके लिए ऊपर वाले ने तय किया है। तो मुझे तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही दिखती है कि मैं पहले गायकी करने लगा तो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, गायक बन गया मैं। फिर मैं फिल्मों में गया तो फिल्म भी खूब लोगों ने आशीर्वाद दिया और बहुत सारी फिल्में मैंने की, खूब सुपरहिट रही। फिर मुंबई में ही था, वहाँ एक कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी आए थे, उनके हाथों सम्मान मिलना था और दूर दूर तक राजनीति से कुछ लेना देना मेरा नहीं था, पर महाराज जी ने कहा कि आप आओ, आप अच्छे कलाकार हो पर आपको जनता की भी सेवा करनी चाहिए, उसी जनता ने आपको बनाया है तो आप जनता के लिए काम करिए। और फिर पूजनीय महाराज जी ने ला के मुझे यहाँ बैठा दिया आजमगढ़, और अब मैं यहाँ रह के लोगों की सेवा करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ और वो सरकार तक पहुँचाता हूँ और वो बड़ी तेज़ी से सब पूरा हो रहा है। तो मुझे भी संतोष मिलता है कि जिस जनता ने मुझे जो जो चाहिए सब दिया, अब मैं उनके लिए काम कर पा रहा हूँ। निरहुआ, रिक्शा वाला से एक बहुत बड़ा फेम आपको मिला, तो आपने कभी सोचा कि रिक्शा चलाने वाला और एक जो पहचान आपकी है निरहुआ की रिक्शा चलाने वाले को लेकर, जो जनता है भोजपुरी बेल्ट की, जो पूर्वांचल में लोग आपको जिस तरीके से देखते हैं, उसके बाद अचानक से वो सांसद बन जाता है और बड़ा सपना उनका भी पूरा होता है और खासकर जनता को भी एक जनता का सेवक मिलता है, तो आपको कैसे लगता है कि एक रिक्शा वाला की पहचान रख के एक रिक्शा वाला जो जनता के बीच होता है वहाँ तक अब आप उनकी चीज़ों को सरकार तक पहुँचा सकते हैं? और इसका लाभ भी है, क्योंकि जो व्यक्ति रिक्शा चलाता है, जो व्यक्ति ठेला खींचता है, जो व्यक्ति खेतों में काम करता है, जो गरीबी देखा हुआ रहता है, उसको पता है कि गरीबों की क्या समस्या है, और अगर कोई गरीब आकर के और कुछ कह रहा है तो कितना बेबस और लाचार होगा कि वो आपके पास आया, तो उसके लिए आप काम करिए। जब ऐसे ही जनता के बीच का ही कोई जनप्रतिनिधि होता है तो वो तकलीफों को समझता भी और उस पर काम करता है, और वही हम लोगों ने किया। 1.5 साल के अंदर आप ऐसे ही देख लीजिए कि एक सांसद को 5 करोड़ आता है 1 साल में काम करने के लिए, पर 1 साल में तो 12 करोड़ रुपए मैं यहाँ के गरीब लोगों के इलाज के लिए मंगा चुका हूँ। और आजमगढ़ में जितना 50 साल में पैसा नहीं आया होगा, 1 साल में आया है। कई 1000 करोड़
की योजना यहाँ पे आई और यहाँ पे काम हुआ। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया इतना क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका ध्यान पूरा है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका ध्यान पूरा है और उनका आशीर्वाद भी है। अब इसलिए जनता के बीच भी हम जा रहे हैं तो वो लोग भी यही बात कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को तो लगा था कि आप जीतोगे और अपना निकल लोगे शूटिंग वूटिंग करने, लेकिन आप तो यहीं रहे, यहाँ रह के फिल्म भी बनाए और यहाँ रह के यहाँ की सड़क भी बनाई, यहाँ का रेलवे स्टेशन भी बना रहे हैं, यहाँ का रिंग रोड भी बना रहे हैं, यहाँ हवाई अड्डा भी बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ रह के कर रहे हैं और यहाँ रह इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हम अगर किसी बहुत बड़े हीरो के बेटा होते और हम ये गरीबी में कभी रहे ही नहीं होते तो हम भी भाग जाते, जैसे बहुत लोग नहीं रह पाते, टिक नहीं पाते। पर हम तो यहीं से गए हैं, हम यहीं गाय चराए हैं, हम यहीं स्ट्रगल किए हैं, 500-500 रुपये पे घूम घूम के गाना गाए हैं, तो हमको भी लोग जानते हैं और लोगों को भी हम जानते हैं, उनकी तकलीफ भी हमको पता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ रह के काम कर पा रहे हैं और जनता भी खुश है। इस बार की तैयारी क्या है, 80 की 80 सीटें? 80 की 80 सीट 100% आएगी। उसका कारण ये है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं थी, हमारे मोदी जी की योजनाएं थी, उनको 100% लागू किया, जनता तक पहुंचाया और अपना भी जितनी उनकी योजनाएं हैं उसका भी लाभ जनता को पहुंचाया। और इसलिए जो है वो जो लाभार्थी हैं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जिनको आवास मिला है, जिनको राशन मिल रहा है, जिनको घर में बिजली मिल गई, जिनको गैस कनेक्शन मिल गया, जिनको मुफ्त इलाज हो रहा है, वो खुद ही कह रहे हैं कि अब की बार 400 बार। तो योगी जी के फेस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं या फिर दिनेश लाल निरहुआ का अपना भी फेस है? मुझे लगता है कि हम लोगों का जो सबसे बड़ा फेस है वो है हमारे मोदी जी का। हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता जानता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और ये मोदी जी का चुनाव है, हम सब लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं उनके लिए काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के वही तीसरी बार बनेंगे, उनसे बड़ा हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, सबसे बड़ा हमारा चेहरा वही है। तो यहाँ की जनता ये तो जानती है ना कि उनके सांसद जी का नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ है? तो यहाँ की जनता भी जानती है और देश के किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ भी जानती है, विदेश में जाते हैं तो वहाँ भी जानती है, वो अलग विषय है कि मुझे लोग जानते हैं। नहीं, एज अ सांसद आप जमीन पे जाते हैं, लोगों से संपर्क, जन संपर्क जो अभी आप चल रहा है ये बस इलेक्शन तक है या फिर 5 साल तक किया आपने? हाँ नहीं, मैं किया, मैं ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ कि जब मैं 19 में हार गया उसके बाद भी मैं आजमगढ़ ही रहा और आजमगढ़ में रह के, और जब अखिलेश यादव यहाँ नहीं दिखाई देते थे तो मैं कहता था चिंता मत करो, सरकार हमारी है केंद्र में भी प्रदेश में भी, तो भले हम हार गए हैं पर तुम्हारे सांसद हम ही हैं, कौन सा काम है बताओ वो हम कराते हैं, और आजमगढ़ का काम हम कराते रहे। तब हमको 22 में फिर अवसर मिला और जनता ने हमको जिताया कि जब ये हार के हमारा काम कर सकता है तो जीतेगा तो काम करेगा, और जीत के हमने काम किया है, देखिए आजमगढ़ हमारा कैसे बदल गया। सपा कैंडिडेट भी यहाँ से हैं धर्मेंद्र यादव जी, उनको चुनौती मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 दिन वाला नेता कैसे 30 दिन वाले नेता से लड़ पाएगा। हम तो 300 दिन यहाँ रहते हैं, हमारा कार्यालय 24 घंटे 300 दिन 12 महीने चलता है और रोज लोग आते हैं अपनी समस्या लेके और उसको हम लोग हल करते हैं, और अभी आए थे धर्मेंद्र 3 दिन के लिए और चले गए, तो 3 दिन वाला नेता क्या यहाँ पे लड़ेगा। हेलीकॉप्टर कैंडिडेट मानते हैं आप उन्हें? ये हवाई कैंडिडेट हैं ये लोग, जैसे आजमगढ़ में अगर पहले काम किसी ने किया था तो नेताजी ने किया था, वो भी धरती के नेता थे इसलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता था, वो धरती पे धरातल पे काम करते थे, आजमगढ़ में किया था काम उन्होंने, उस काम को नेताजी का असली उत्तराधिकारी बन के हम आगे बढ़ा रहे हैं आजमगढ़ में, जो उन्होंने यहाँ विकास कार्य किया था उसको तेजी से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो धरती वाले ये सब नेता नहीं, ये हवाई नेता हैं, आते हैं 3 दिन और फिर चले जाते हैं। तो आप तो हर मंच से ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव को आपके खिलाफ उतारना चाहिए, उनसे आप लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल लड़ना चाहते, पर आए ही नहीं तो क्या करें, जब उनको लड़ना ही नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो उनसे लड़ाई क्यों, अखिलेश यादव से लड़ाई क्यों? क्योंकि एक होता है कि आप कुछ बनने के लिए लड़ते हैं, ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए लड़ते हैं, इनको पता है ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या,
पर प्रधानमंत्री को रोकना है इनको। प्रधानमंत्री तो आपको भी नहीं बनना है ना, सांसद बनना है। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी को जो रोकना चाहता है उससे लड़ना है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री जी को जो रोकना चाहता है उससे मुझे लड़ना है। तो वो भी रोक रहे हैं, रोकने के लिए लड़ रहे हैं। कौन? अखिलेश जी। तो हम लड़ रहे हैं उनसे। तो दोनों तो सेम ही ना, रोकने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, वो प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए लड़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी को जो रोकना चाहता है उससे लड़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जी। बिल्कुल, तो जनता के सेवक हैं और आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर मिशन हॉस्पिटल में आप आए थे, कार्यक्रम के बारे में जरा बताएंगे? जी, यहाँ पे एक नर्सिंग स्कूल है जो हमारे डॉक्टर अशोक सिंह जी का है, और इस विद्यालय से मेरा नाता 2008 से, राजनीति में तो 2019 में आया मैं, 2008 से मैं यहाँ फिल्में बना रहा हूँ। और पहली जो मेरे बैनर की फिल्म बनी थी मैंने यहीं बनाया था, और फिर उसके बाद लगातार हम लोग बहुत सारी यहाँ पे शूटिंग करते रहे। तो जो भी कार्यक्रम होता है विद्यालय का तो मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे परिवार जैसा है, और वहाँ पर जो बच्चियाँ आसानी से नर्सिंग का कोर्स करके और पूरे देश दुनिया में काम कर रही हैं तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी हम वहाँ जाते हैं, और उनकी कुछ समस्या होती है तो वो भी सुलझाने के लिए जाते हैं। जैसे अभी मैं गया था तो किसी ने कहा कि उसको स्कॉलरशिप का दिक्कत है, तो अब हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा? पता चल गया, अब हम पूजनीय महाराज जी को लिखेंगे कि ये दिक्कत है और वो सॉल्व हो जाएगा जी। पवन जी का जिक्र कर लेती हूँ। पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने लौटा दिया। वो ये सोच रहे थे कि उन्हें बीजेपी जो है वो बिहार से कहीं ना कहीं से टिकट देगी, नहीं मिल पाया। तो आपको लगता है कि वो बंगाल वाला जो मुद्दा चल रहा है उसके कारण हुआ ऐसा? मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से पवन जी का अपना निजी मामला है, और वो क्या सोच रहे हैं वही बता पाएंगे, तो ये सवाल आप उनसे ही पूछिए। बाकी हम लोगों की शुभकामना है, हम तो हमेशा चाहते हैं, और मेरी ये दिली इच्छा भी होती है और मैं उसके लिए प्रयास भी करता हूँ कि कोई भी कलाकार हो कभी मुझे उसके खिलाफ प्रचार ना करना पड़े, इसलिए वो कलाकार बीजेपी में ही रहे, और मैं कोशिश करता हूँ कि सबको बीजेपी में ही लाऊं और बीजेपी के साथ ही रखूं। और मैंने उनके लिए भी प्रयास किया था, मैंने जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं मिला था तो पहली बात ही मैंने कहा था कि उन्होंने पूछा मुझसे कि अब आगे क्या, मैं बोला पवन जी को लाइए सर, बड़े कलाकार हैं और बहुत लोकप्रिय कलाकार हैं, तो हम लोग के साथ और हमारी पार्टी की विचारधारा से वो हैं, तो हमने कहा उनको भी लाइए। तो हमने अपना प्रयास किया था, बाकी पवन जी का खुद का डिसीजन है, वो कहाँ से लड़ेंगे कहाँ से नहीं लड़ेंगे वो जैसा चाहेंगे वो तो वही कर सकते हैं। भोजपुरी में फिल्में भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हिंदी में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है फिल्मों को बनाने में, भोजपुरी में ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है, 30 दिन में शूट हो जाता है। तो आप निरहुआ जी कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि इधर बहुत सारा काम भी, आपको जनसंपर्क अभियान करना है, जनता से जुड़ना है, उनकी सेवा करनी है, दूसरी तरफ फिल्मों में भी ध्यान देना है, मैनेजमेंट कैसे होता है? मैंने क्या किया है कि मैं अपना ऑफिस अपने साथ लेके चलता हूँ और कोशिश करता हूं कि हर विधानसभा में शूटिंग करूं। अच्छा। तो जिस विधानसभा में शूटिंग होती है वहीं खेत में हो रही तो खेत में ऑफिस लगा देता हूं, कहीं नहर पे हो रही तो वहीं ऑफिस लग जाता है, वहीं कंप्यूटर लग जाता है, और जो लोग भी उस विधानसभा की जो भी समस्या लेके आते हैं वहीं लेटर टाइप होता है, और वहीं से जो है हम अपना भी काम करते हैं और उनका भी काम करते हैं। मतलब हम जब ये हमको पूजनीय महाराज जी ने ही कहा था कि जब आप आजमगढ़ में रह के शूटिंग करोगे तो जनता आपसे आसानी से मिल लेगी और अपनी बात कह देगी, वो आप हमको भेजिएगा हम काम करा देंगे, और वही होता है। तो ये खेत और नहर से भोजपुरी कब आगे निकलेगा, मतलब जो क्वालिटी होती है भोजपुरी फिल्मों की वो कब आगे बढ़ेगी, कब हमारी जो भोजपुरी फिल्में हैं वो भी नेशनल अवार्ड पाएगी, क्योंकि मैथिली ने नेशनल अवार्ड पा लिया है, भोजपुरी की बारी है। मैथिली को भाषा का दर्जा मिल चुका है और हम लोग भोजपुरी के लिए भाषा का दर्जा मांग रहे हैं, मैंने सदन में भी मांग उठाई थी, और हम लोग जो जितने भोजपुरी बोलने वाले सांसद हैं सब लोगों ने मिल करके और वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके और पूरा जो साक्ष्य है वो सब, जो साहित्य है वो सब इकट्ठा करके और वो हम लोगों ने सदन के पटल पर रख दिया है, और जितनी जल्दी से जल्दी ये काम हो जाएगा हमारा, जैसे भाषा को दर्जा मिल जाएगा आप देखिएगा कि हमको नेशनल अवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि
फिल्में तो हम बनाते हैं उस लेवल की बनाते हैं, अभी हमारी फिल्म आई है मंडप देख लीजिए, फसल देख लीजिए, माई देख लीजिए, सारी फिल्में, चाहे और भी लोगों की जो फिल्में आ रही, बहुत एक से एक फिल्में आ रही हैं, पर वही है कि हमको जैसे भाषा का दर्जा मिलेगा फिर हमको नेशनल अवार्ड भी मिलना शुरू हो जाएगा। आरोप ये लगते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री पे कि एक्टर्स पैसे ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, प्रोडक्शन पे कम खर्चा होता है। तो ये तो हर इंडस्ट्री में ऐसा है कि आपको कोई एक्टर कितना फीस लेता है वैसा एक्टर लेके आप फिल्म बनाते हैं, तो जो ज़्यादा चार्ज करता है उसके फिल्मों को ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं, जो जिसके फिल्म को पैसा ही नहीं मिलता वो चार्ज भी नहीं करता, उसमें क्या है? वो तो उसमें ऐसा है कि आप लोगों ने ये, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ चार पांच जो स्टार्स हैं सुपरस्टार उसमें से आप भी हैं उनके कारण चलती है, तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा तो प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ जाएगा। पूरा पूरा हम लोग करते ही हैं और बड़ी बड़ी फिल्में हम बनाते भी हैं, क्योंकि अगर किसी को ये तकलीफ होती है कि उसको पैसा देने में दिक्कत है तो हम लोग भी बड़ी बड़ी फिल्म खुद ही बना देते हैं कि लीजिए हम बना रहे हैं, और बाकी लोग भी कोई आते हैं और बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके आते हैं, और उनका भी अगर ध्येय यही होता है कि उनको अच्छी फिल्म बनानी है तो हम पूरा सहयोग करते हैं, आधे पैसे में भी उनका काम कर देते हैं, कोई बहुत अच्छी फिल्म आ गई है तो बिना पैसे की भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी करते हैं। पर अगर कोई बिजनेस करने आ रहा है उसको पैसे कमाने हैं और वो चाहता है कि हम उसका फ्री में काम करें तो हम क्यों करेंगे। आम्रपाली जी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्पेशल दिखती है स्क्रीन पे, तो कैसी लगती हैं आपको आम्रपाली जी? बहुत, मैं तो मानता हूँ कि भोजपुरी की सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट हैं वो, और जब से मेरी फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू किया मेरी फिल्मों का क्रेज़ और बढ़ गया, मतलब 2014 के पहले जो लोग जितनी मेरी फिल्में देखते थे, 2014 में पहली फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी से आम्रपाली जी आई मेरी फिल्मों में, और उसके बाद में गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली सब लोग देखने लगे भोजपुरी फिल्म, तो ये उनका जादू है, उनके अभिनय का जादू है, उनके सौंदर्य का जादू है कि जब वो किसी भी किरदार को निभाती हैं तो इतना परफेक्ट निभाती हैं कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। जितनी आज तक हम लोगों ने फिल्म की, सारी फिल्में हिट हुई, और इसलिए हर निर्माता भी चाहता है कि हिट फिल्म बनाए तो उनके साथ बनाता है और फिल्में अच्छी चलती हैं। आपने उनके साथ काफ़ी फिल्में की और आप कह रहे हैं कि सारी फिल्म हिट है और आप दोनों की जोड़ी बहुत सराही जाती है, और खास करके सोशल मीडिया पे तो इस बात की चर्चा होती है कि आम्रपाली जी आपकी वाइफ हैं। मैं जितनी फिल्म करता हूँ उसमें मेरी वाइफ बनती हैं तो लोगों को लगता है कि उनकी वाइफ है और वाइफ ऑन स्क्रीन ओनली। हाँ, पर क्या होता है कि हम लोग भी जब सिर्फ फिल्म देखते थे, बनाते नहीं थे, तो हमको भी लगता था कि जो अभिनेता अभिनेत्री को देख रहे हैं तो वो वैसा ही है, तो वो भ्रम उनको भी होना जायज़ है, कोई गलत नहीं है। वैसा हमको भी होता था जब हम फिल्म में नहीं थे तो हमको भी लगता था कि वो हीरोइन वो हीरो की बीवी होगी, ऐसा हमको भी लगता था। योगी आदित्यनाथ के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, खासकर रवि जी की भी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छी है, तो जब आप लोगों की मुलाकात होती है तो क्या बातचीत होती है, किस तरह से बातचीत होती है? हमेशा पूजनीय महाराज जी एक ही बात कहते हैं कि आप अच्छे कलाकार हैं, आप अपनी फिल्म बनाते रहिए लेकिन अपने लोकसभा में बनाइए, और वहाँ रह के जब आप बनाएंगे तो जनता आपसे मिल पाएगी, और जो भी उनकी मांग है वो आप पत्र बनाइए हमको भेजिए, वो सब हम करवाएंगे, और जितना उन्होंने कहा था वो सब करवाया उन्होंने। मतलब आजमगढ़ को महायोजना से जोड़ना था कि महायोजना यहाँ लागू हो जाएगी तो बड़े बड़े शहरों की तरह हम आजमगढ़ को डेवलप कर पाएंगे, और वो महाराज जी ने लागू कर दिया, तो वो जो कहते हैं वो सब करते हैं। आपका संघर्ष बहुत बड़ा रहा है निरहुआ जी, आप कैसेट बेच के आप आगे बढ़े, गांव गांव घूमे, तभी से कहीं ना कहीं ये तो था कि जनसंपर्क आप तभी से करना शुरू कर दिए थे, कैसे लोगों से कनेक्ट होता है इसका इल्म था आपको, लेकिन जब महाराज जी से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने टिकट दिया पहली बार, ये भी नहीं सोचा कि आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा ईगो था कि मैं जीत जाऊंगा, तो उसके बाद क्या हुआ अचानक? नहीं नहीं, ईगो नहीं था, ऐसा था कि पूजनीय महाराज जी ने वहाँ भेजा है लड़ने के लिए, तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोच के ही भेजा होगा, तो मैं लड़ा, मुझे जैसे लड़ना था मैं लड़ा। हाँ, ये था कि उस समय मैं एक स्टार बन के आया था और
स्टार की तरह जो है अपने आप को यहाँ प्रेजेंट किया था, लेकिन जब मुझे यहाँ जनता ने चुन लिया और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि बन गया तो मैंने अपना स्टारडम छोड़ दिया और अब मैं सिर्फ और सिर्फ उनका एक जनता का प्रतिनिधि हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनका काम करता हूँ और अपने आप को उनका सेवक ही मानता हूँ कि अब सेवक चुन लिया हमको तो इनका सेवा करना ही मेरा धर्म है और वही मैं करता हूँ। तो मैंने वो जो एक स्टार वाला ऑरा था वो छोड़ दिया, बाकी ईगो तो कभी नहीं था। सही सही बताइएगा ये बात, कई बार ऐसा होता है कि आप एक्टर हैं और आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से पता है कि क्या बोलना है कैसे बोलना है, जब मंच पे बोलते हैं तो कभी एक्टिंग करते हैं या फिर बस सांसद के तौर पे ही बोलते हैं जो बोलना है? नहीं नहीं, जो मन में होता है वही बोलते हैं। और देखिए, कोई भी व्यक्ति जो उसकी सोच होगी, जो उसका विचारधारा होगी और जैसा वो सोचेगा वैसा ही बोलेगा, या जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। तो पूजनीय प्रधानमंत्री जी के साथ में जब हम लोगों को काम करने का अवसर मिला तो हमको पता चला कि इस दुनिया में ऐसे महान व्यक्ति भारत को चलाने के लिए मिले हैं, ये ईश्वर की कृपा है। कोई उनका पर्सनल स्वार्थ नहीं है और दिन रात वो सिर्फ भारत के लिए काम कर रहे हैं, हर भारतीय के लिए काम कर रहे हैं, उससे भी आगे बढ़ के पूरे दुनिया के विषय में भी सोच रहे हैं कि कैसे सबको जो है शांति से रखा जाए, कैसे काम किया जाए। तो उनके नेतृत्व में हम लोगों को जब काम करने को मिलता है तो हमको लगता है कि जब हमारे देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं तो एक जैसे राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी भी उसमें अपना पत्थर उठा के डाल रही थी, तो एक उनकी सेना में होने के नाते हम भी जितना हमसे योगदान हो सकता है वो हम प्रधानमंत्री जी के साथ में रह के करते हैं। एक्टिंग तो खैर वो आपके अंदर बाय बॉर्न होगा, लेकिन क्योंकि राजनीति बाय बॉर्न नहीं है, वहाँ से आपका शिफ्ट हो जाता है पॉलिटिशियन के तौर पर, तो कैसे अपने आप को आपने इम्प्रूव किया? क्योंकि तब आप बहुत रॉ थे, आपको नहीं पता कि कैसे जनता की सेवा करनी है, क्या किस तरीके से आपको साइन करना होता है, कैसे ये चीज़ें पास होती है, तो उस दरमियान बहुत मुश्किल हुई होगी। तो कोई ऐसा गॉडफादर रहा जिसने आपको सिखाया हो? जनता ही गॉडफादर है और जनता ने ही सब बनाया। जनता ने गायक बनाया, जनता ने हीरो बनाया, फिर जनता ने सांसद बनाया और जनता ने सिखाया कि हमारा ये काम है, इसको लिखिए फलाना जगह, हमारा काम हो जाएगा। तो वो जो जो बोलते हैं मैं करते जाता हूँ, मैं किसी को मना ही नहीं करता हूँ कि नहीं मैं ये नहीं लिखूँगा। कोई व्यक्ति आए वो जो उसको लिखाना चाहिए वो मैं लिख देता हूँ कि चलो मैं लिख रहा हूँ, अगर मेरे लिखने से होगा तो मैं ज़रूर लिखूँगा। चाहे कोई किसी काम के लिए आता है मैं लिखता हूँ और उसमें लोगों का काम हो जाता है तो वो धन्यवाद भी देते हैं और मैं सीख भी जाता हूँ कि चलो ये काम तो मैंने लिखा हो गया। ऐसे मतलब कोई आता था मुझे बोला कि 15 लाख का खर्चा है, गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से इलाज कराऊँगा, तो मैं बोला तो मैं क्या करूँ, तो बोले आप लिख दीजिए तो मिल जाएगा पैसा, तो हमने लिखा और उसको मिल गया। तो यही लोग सिखा दिए, जनता ही सिखा दी हमको। लिखने की आप बात कर रहे हैं, मैंने ये भी सुना है कि निरहुआ हर सिचुएशन पे कुछ ना कुछ गाने बना देते हैं, लास्ट टाइम आपने क्या बनाया नया? कुछ नया मैंने यही बनाया, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा मोदी की गारंटी है, भारत विकसित देश बनेगा कोई भूखा नहीं रहेगा, मोदी की गारंटी है भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। क्या बात है, और आप मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी चाइनीज माल की तरह है, कोई ठीक नहीं है, कब बदल जाए? नहीं, मुझे लगता है पूरे देश को मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है, सभी महिलाओं को भरोसा है, युवाओं को भरोसा है, गरीबों को भरोसा है, किसानों को भरोसा है, सबके लिए प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, सबको भरोसा है। ये जो चोर लुटेरे हैं इनको भरोसा नहीं है, क्योंकि ये चोर लुटेरे देश को लूटे हैं, फिर इकट्ठा होकर लूटना चाहते हैं, पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है तुमको लूटने नहीं देंगे, सबको एक एक करके जेल में डालेंगे और जाएंगे, ये सब जेल में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने देश को लूटा है और कोई लुटेरा बचेगा नहीं, तो इसलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं कि जेल जाने से बच जाएं, लेकिन कोई नहीं बचेगा, सब जाएगा। बिहार में तो हालत ये थी कि कांग्रेस ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पहले बात करी थी और वहीं पे लालू यादव ने बस घर में ही सबको सिंबल बांट दिया, कोई बातचीत नहीं हुई दोनों में? नहीं होगी ना, क्योंकि ये लुटेरे हैं ये लोग, इनकी देश सेवा की नीयत ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी की तो नीयत है कि हमें गरीब की सेवा करनी है, हमें किसानों की सेवा करनी है, महिलाओं की सेवा करनी है, उनके लिए
उनके हक की बात करनी है, देखिए 33% जो है महिला आरक्षण भी आ गया, तो ये तो कांग्रेस भी ला सकती थी ना, पर उनकी नीयत ही नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी की नीयत है कि हम देश के लिए काम करेंगे और वो कर रहे हैं, तो ये सब घबराए हुए हैं कि इतना काम अच्छा हो रहा है कि जनता मोदी जी को ही चुनेगी, इनको तो कुछ मिलने वाला है नहीं। जिस चक्कर में ये लोग देश को फंसा के रखे थे, जातिवाद परिवारवाद, वो भी अब ख़त्म हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या है कि ये जो नया जेनरेशन आ रहा है वो उस पुरानी राजनीति से बाहर निकल जाएगा और धीरे 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 सिर्फ डेवलपमेंट पे ही लोग बात करेंगे, और वो काम मोदी जी कर रहे हैं तो सब मोदी जी का साथ देंगे। लेकिन अखिलेश जी तो आपके नियत पे सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि नचनिया बचनिया क्या करेगा? जैसे वही करेगा जो 22 में किया था, क्योंकि अखिलेश जी को जो जो आता है, भाषण देने आता है, बात करने आता है, वो सब हमको भी आता है, पर हमको नाचने आता है उनको नहीं आता है, इसलिए तो वो हमसे नहीं लड़ जैसे पाता। अभी जब मैंने ये सवाल पूछा आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। कई बार ऐसे जब वीडियोस देखते होंगे आप, चाहे अखिलेश जी का बयान सुनते होंगे, तो कभी हंसी आती है? आती है, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं कलाकार हूँ और मुझे राजनीति से एक रुपया नहीं चाहिए। मैं अपने कला के क्षेत्र में इतना माहिर हूँ कि मैं फिल्में बनाता हूँ, अपना परिवार भी चला लेता हूँ और हर महीने 5 लाख देश को टैक्स भी भर देता हूँ, GST भी दे देता हूँ, ताकि देश के डेवलपमेंट के लिए भी काम हो। तो नेता तो ऐसा ही होना चाहिए कि अपना खर्चा अपने काम से चलाए और देश को टैक्स भरे। ऐसा नेता नहीं चाहिए कि वो देश का पैसा चुराने के लिए और लोगों को जो आ रहा है उसमें खींचने के लिए आया हो, तो ऐसा नेता वो लोग हैं, हमको तो ज़रूरत ही नहीं है ना। हम तो खुद अपना कलाकार हैं, जनता प्यार करती है, आज भी टेलीविज़न पे आए या थिएटर में आए, फिल्म एकदम लगातार आती है और लाइन लगी हुई है। अगर मैं 5 साल लगातार शूटिंग करूं तो भी मेरे पास 1 सेकंड फुर्सत नहीं होगी, इतनी फिल्में मुझे ऑफर हुई हैं। पर उसमें से भी हम अपना काम करते हुए जनता का भी सेवा कर ले रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। परिवार के लिए कैसे समय निकालते हैं? मुझे लगता है कि जो हमारे परिवार के लोग हैं वो भी ये बात पूरी तरह समझ गए हैं कि जनता की सेवा के लिए जब ये उतर चुका है तो इसको वहाँ सेवा करने दीजिए। और जैसे अगर कभी यहाँ से छुट्टी मिलती है तो मैं मुंबई भी चला जाता हूँ, और कभी कभी यहीं बगल में गांव है तो वहाँ से भी मिल लेता हूँ, तो हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। जब पहली बार आप सांसद बने, आपके लिए भी ये किसी सपने से कम नहीं होगा, लेकिन परिवार वालों के लिए तो और भी होगा, क्योंकि आपकी माँ ने आपको कैसेट बेचते हुए देखा, वो दर्द आपकी माँ से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता, समाज तो बाद में आता है। माँ का पहला रिएक्शन क्या था? माँ का तो पहला रिएक्शन यही था, और उनके जुबान से यही बात निकली थी कि देखो बेटा, तुम गरीब के बच्चे हो और आजमगढ़ की जनता ने तुमको ये अवसर दिया है, तुम उनकी सेवा करना और भागना मत वहाँ से। और हम वही किए, माँ जो बोलती है वो हमारे लिए एकदम आज्ञा होता है और हम वही करते भी हैं, माँ का आदेश जो भी होता है। तो माँ ने तो ये आदेश, एक बार आ गई थी यहाँ आजमगढ़ कोई पूजा पाठ करने किसी मंदिर में, उस समय वो सड़क ठीक नहीं हो पाई थी तो बहुत डांटी हमको कि तुम क्या यहाँ रह के कर रहा है जब तुम सड़क नहीं बना पा रहा है। तो हम बोले बनेगी माँ, अभी तो मैंने लिखा है और उसकी प्रक्रिया सब हो रही है। तो बहुत डांटी, तो अभी जब सब बन गया, चमक गया, तो फिर बुलाया कि आओ देखो। तो आई, देखी तो खुश हो गई, बोली हाँ बेटा अब अच्छा काम हुआ है, ऐसे ही लोगों की सेवा करो। तो इस बार भी जनता आपको एज अ सेवक चुन रही है, आपको लग रहा है? 100%। उसका कारण ये है कि जनता के साथ बैठ के काम करने वाला सांसद इनको कभी मिला ही नहीं था। अभी मैं कल दिवारा में गया था तो वहाँ की जनता बोली कि पहली बार कोई सांसद बंधे से उतर के और हमारे घर तक आया है, हम लोग तो देखे ही नहीं थे कभी सांसद। तो सब लोग मुझसे भी आसानी से मिल लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं, और मैं भी उनसे मिल लेता हूँ, उनके गांव में ही चला जाता हूँ, उनके घर पे चला जाता हूँ, उनके स्कूल में चला जाता हूँ। तो जनता को तो ऐसा ही सांसद चाहिए, और इसलिए जनता कह रही है कि ये बार तू ही जीतत हुआ। नहीं, भले आप चुनौती नहीं मानते हो धर्मेंद्र यादव जी को, लेकिन पिछले बार अगर वोटों का अंतर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। इस बार ज़्यादा अंतर से जीतेंगे,
उसका कारण है कि जो लोग पहले मेरे साथ नहीं थे वो भी अब मेरे साथ आ गए। यादव की बात कर रहे हैं। यादव लोग तो जितने प्रधान हैं, जितने ब्लॉक प्रमुख हैं, चाहे जो आम जनता में भी जो मिलते हैं, वो बोलते हैं भैया हम भी यादव हैं लेकिन आपके साथ हैं, अभी आपको जिताएंगे, आपने एक साल में बहुत अच्छा काम किया है। ये ऐसा क्या पिला दिया आपने उनको, ऐसा क्या दिखा दिया? काम दिखाया, ये देखिए ये सड़कें, ये देखने लायक नहीं थी ये सड़कें, इसको ना गड्ढा बना दिया था गढ़ गढ़ बोल के कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है, पूरा गड्ढा हो गया था, पर एक साल में सारा गड्ढा भर दिया मैंने, देखिए कितनी बढ़िया सड़क बनाई है। नहीं, ये बात तो है कि जहाँ पे सबा का गढ़ है वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बना तो दी है और जनता भी आप पे भरोसा कर रही है, शायद यही वजह है कि एक बार फिर से बीजेपी ने भी आप पे आप कह सकते हैं दाव खेल दिया है, लेकिन क्योंकि मन में है कि 80 की 80 आएगी तो आ भी सकती है। 100% आएगी क्योंकि काम किया है ना हम लोगों ने, और जनता अभी देख रही है कि देखिए सुकून से जनता है, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं, आराम से सब अपना खा रहे हैं, जी रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, और जहां जरूरत पड़ती है सरकार उनके साथ खड़ा हो जाती है, तो ऐसी ही सरकार तो जनता को चाहिए थी, मिल गई, और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार से लोग खुश हैं, प्रदेश में भी खुश हैं, इसलिए 80 की 80 हम लोग इस बार जीत रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या है राजनीति में, बस सांसद बनना है कि कुछ और भी सोचते हैं आगे बनने? मैं कुछ नहीं सोचता हूं। मौका मिलेगा तो, अगर मंत्री बनने का मौका मिला तो निरहुआ बनना चाहेंगे? पहले तो मैं मना करूंगा क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैं इससे ज्यादा जिम्मेदारी लूंगा तो मेरी शूटिंग छूट जाएगी, और वो उसी से मेरा घर चलता है, और मैं इतना ज्यादा तामझाम फैला के रखा हूँ, इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि उनको सबकी फीस भरना है, ये करना है, वो करने के लिए मुझे अपना काम करना पड़ेगा, और अगर मुझे इससे बड़ी जिम्मेदारी मिली तो मेरा काम छूट जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे बड़ी मैं जिम्मेदारी लूँ, क्योंकि आदमी को उतनी ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जितना वो निभा सके, तो मैं यहाँ शूटिंग करते हुए लोगों की सेवा कर ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया निरहुआ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बातें आपने रखी है, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल में निरहुआ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि हम कार में बैठे हुए हैं क्योंकि आगे भी आपकी प्लानिंग है, आगे भी इनको जनसभा करनी है, लोगों से जुड़ना है, लोगों से वोट की अपील करनी है, बताना है कि अगले 5 साल में निरहुआ जी क्या करेंगे, ऐसे वक्त पे जुड़े। एक और चीज़ मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, एक और चीज़ देखिए कि क्यों हम लोग जीत रहे हैं, ये समय ऐसा है जब किसी प्रत्याशी की घोषणा हो जाए कि भाई यहाँ से ये चुनाव लड़ रहा है, उसके बाद मतदान होने तक उस व्यक्ति के लिए सबसे कठिन समय होता है कि वो सबके पास जाए, सबसे मिले, सबसे अपील करे कि हमको जो है आप जिताइए। जिस प्रत्याशी को वोट मांगने के लिए टाइम नहीं है वो जीतने के बाद यहाँ टाइम देगा? ये जनता पागल है, ये नहीं समझ रही है जनता। जनता जानती है कि जो वोट मांगने का जिसके पास समय नहीं है वो जीतने के बाद यहाँ क्या समय देगा, इसलिए भी जनता हमारे साथ है। तो आप ये मानते हैं कि वो बैक ऑफ कर गए, उनको पता है कि निरहुआ जी जीतेंगे? उनको पता है, वो जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब कोई आता है ना जनता के बीच में तो जनता उसको बता देती है कि भैया तुम क्या किए थे, मतलब 22 में हारे तो तुम दिखाई नहीं दिए एक को दिन, और तुम फिर आ गए हो तो क्या, मतलब क्या सोच के आए हो, 19 में जीते थे तो भाग गए, आए नहीं तो अब क्या सोच के आए हैं। वो जनता कहती है कि वो जीता तो भी यहीं है, वो हार गया था तो भी यहीं रहा, वो गया ही नहीं यहाँ से, क्योंकि मुझे आदेश था कि तुमको वहीं रह के सेवा करना है, तुम पत्र बनाओ, तुम बताओ लोगों की समस्याएं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम पूरा करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हम पूरा करेंगे, और उन्होंने किया, करके दिखाया। विश्वविद्यालय मांगा तो वो विश्वविद्यालय हमको आजमगढ़ में दे दिए, नया रेलवे स्टेशन मांगा वो भी हमको मिल गया, नई रेलवे लाइन मांगा कि हमको गोरखपुर आजमगढ़ बनारस के लिए नई रेल लाइन चाहिए वो भी हमको मिल गया, नया रिंग रोड चाहिए रिंग रोड मिल गया, हमने कहा संगीत विद्यालय चाहिए हमको वो भी हमको मिल गया, जो जो मांगा हमने वो सब हमको मिला, तो यही तो चाहिए था आजमगढ़ को। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को भी, कि कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा देखा किसने, हमने ये जो सब किया है अगर आप हमसे पूछ के जनता तक नहीं पहुँचाते तो जनता को भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम लोगों ने क्या क्या किया है, तो आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।